हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायपर रेस के बारे में। आजकल हम सभी बच्चों के लिए डायपर जरूर से यूज करते हैं क्योंकि डायपर के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है, जैसे बच्चे को रेसेस होना। और बच्चों को जब भी डायपर रेस हो जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते रहते हैं, दूध पीना भी अवॉइड करते हैं। ये सिचुएशन एक्चुअली बहुत ही बेकार है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। एक्चुअली डायपर की वजह से बच्चे को डायपर रेस नहीं होता है, लेकिन डायपर पहनाते समय, डायपर यूज करते समय अगर आप कुछ मिस्टेक्स करते हो तो उसकी वजह से बच्चे को रेसेस हो जाते हैं। गर्मियों के टाइम में भी अगर आप बच्चे के लिए डायपर यूज करना चाहते हो या फिर न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी अगर आप डायपर यूज करना चाहते हो तो आप जरूर से यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी के जो ब्रांडेड डायपर होते हैं, जो ब्रीडेबल मटेरियल के जो डायपर होते हैं, वही यूज करने चाहिए। बाहर से जो प्लास्टिक वाले जो डायपर होते हैं वो बच्चे के लिए सही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चे की स्किन ब्रीड नहीं कर पाती है और वहां पर रेसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड डायपर ही बच्चे के लिए यूज करने चाहिए, और वो भी आपको हर 3 से 4 घंटे में चेंज करना है। जैसे रात के समय भी एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको डायपर जरूर से चेंज करना है। अगर आपने बच्चे को डायपर पहनाया और उसमें तुरंत ही बच्चे ने पॉटी कर दिया, जैसे 10 मिनट में ही बच्चे ने पॉटी कर दिया, तो आपको 3 से 4 घंटे वेट नहीं करना है, उसको तुरंत से हटा देना है, उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है और आप दूसरा डायपर पहना सकते हो। उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना भी जरूरी है, जैसे आप पानी से क्लीन कर सकते हो या फिर जो बेबी वाइप्स होते हैं उससे क्लीन कर सकते हो, या फिर कॉटन को पानी में डिप करके क्लीन कर सकते हो। उस जगह को अच्छे से क्लीन करना भी जरूरी है, जैसे वहां पर कोई भी सुसु का पॉटी का पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। उस एरिया को अच्छे से क्लीन करें, कॉटन की सहायता से उसको ड्राई करें, उसके बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए एटलीस्ट उस एरिया को एयर ड्राई आपको होने देना है। उसके बाद ही आपको दूसरा डायपर बच्चे को पहनाना है, क्योंकि अगर वो जगह गीली होगी और आप दूसरा डायपर पहना दोगे तो वो एरिया ड्राई नहीं होगा और वहां पर रेसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बेबी वाइप्स आप यूज कर रहे हो वो भी आपको अच्छी क्वालिटी के ही यूज करने हैं, जो अल्कोहल फ्री होने चाहिए, ज्यादा कोई उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें स्मेल या फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो बेबी वाइप्स भी आपको अच्छी क्वालिटी के ही यूज करने चाहिए। और आपको बच्चे को डायपर फ्री टाइम जरूर से देना है, जैसे आप मालिश करते समय बच्चे को डायपर फ्री टाइम दे सकते हो, या फिर नहलाने के बाद जब आप ग्रूमिंग कर रहे होते हो तब दे सकते हो, या फिर रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए बच्चे को डायपर फ्री टाइम दे सकते हो, या फिर दिन में भी जब भी आप फ्री होते हो बच्चे को डायपर फ्री टाइम आप जरूर से दें। जैसे डायपर को हटा दे और उस जगह को अच्छे से क्लीन करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ सकते हो, या फिर आप कॉटन की जो लंगोट होती है वो यूज कर सकते हो, या फिर कॉटन की जो पैंटी वगैरह होती है वो यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि बेबी की जो नाजुक स्किन होती है उसको ब्रीद करने का थोड़ा सा समय मिलेगा और रेस होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और जो भी आप कॉटन की पैंटी या लंगोट बच्चे के लिए यूज कर रहे हो वो भी एकदम सॉफ्ट मटेरियल की कॉटन की होनी चाहिए, जैसे आप 1-2 बार उसको वॉश करने के बाद अगर बच्चे को पहनाते हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो नए कपड़े होते हैं, जो नई पैंटी या नए लंगोट होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, कई बार वो न्यूबॉर्न बेबी की नाजुक स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हो। तो 1-2 बार उसको वॉश करने के बाद ही आपको वो बच्चे के लिए यूज करने चाहिए। और बच्चे को डायपर पहनाते समय आपको कोई भी जैसे कोकोनट ऑयल या पेट्रोलियम जेली या डायपर रेस क्रीम जरूर से उस एरिया पे अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि ये क्या काम करता है, बच्चा जो भी सुसु या पॉटी करेगा उसके और बेबी की जो स्किन होगी उसके बीच में एक लेयर का काम करेगा, तो बच्चे की जो सुसु पॉटी होगी वो बच्चे की स्किन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी और वहां पर भी रेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये आपको जरूर से करना है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि डायपर रेस क्रीम हमें तब यूज करनी है जब बच्चे को डायपर रेस हो जाता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चे को डायपर रेस नहीं हुआ है फिर भी अगर आप बच्चे के लिए डायपर यूज कर रहे हो तो आपको डायपर रेस क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल या पेट्रोलियम जेली वगैरह जरूर से यूज करना है। और उसके बाद भी अगर बच्चे को रेसेस हो जाते हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए डायपर अवॉइड करना है,
उस एरिया को खुला छोड़ देना है, डायपर रस क्रीम या कोकोनट ऑयल आपको लगाते रहना है और कुछ टाइम के बाद ही ठीक हो जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो बच्चे को रैश होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।